बचपन में हम सबकी मम्मी कहा करती थी कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है, और जब हम उनके फूल या फिर पत्तों को तोड़ते हैं तो उन्हें दर्द होता है। हम अक्सर सोचा करते थे कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन हमारे हिंदू कल्चर में तो पेड़ों की पूजा होती है। हर एक घर में एक तुलसी माता का पेड़ होता है जिसकी सुबह शाम पूजा होती है। आज हम आपको उन साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया था कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं। ये कहानी है ऐसे साइंटिस्ट की जो एक ट्रू इंडिया के जीनियस थे। वो ना सिर्फ एक फिजिसिस्ट बल्कि एक बायोलॉजिस्ट भी थे, और उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की। जेसी बोस को सिर्फ एक साइंटिस्ट कहना डाविंशी को सिर्फ एक पेंटर कहने के समान होगा। जेसी बोस का जन्म इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान हुआ था, और उन्हें एक महंगे अंग्रेजी स्कूल में ना भेजकर एक वर्नाकुलर स्कूल में भेजा गया था ताकि वो अपनी मातृभाषा यानी बंगला लैंग्वेज को सीख सके। उनका पालन पोषण एक ऐसे घर में हुआ था जो इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा मानता था, लेकिन अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इंग्लैंड चले गए। मगर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और मशहूर कैम्ब्रिज से उन्होंने नेचुरल साइंसेज में पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। इंडिया में लौटने के बाद वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उन्हें रेसिज्म का भी बड़ा सामना करना पड़ा। उनकी वेतन यानी सैलरी उनके अंग्रेजी काउंटर पार्ट से बहुत ही ज्यादा कम थी, और इसके विरोध में उन्होंने 3 साल तक बिना किसी सैलरी और वेतन के काम किया। उनके डीप नॉलेज और स्ट्रांग वर्क एथिक ने कॉलेज के अंग्रेज प्रशासन के आगे भी जीत हासिल की। 1917 में उन्होंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां साइंटिस्ट प्लांट्स के ऊपर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। क्या आप जानते हैं कि बोस उन पहली व्यक्तियों में से है जिन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हुए बोटैनी और फिजिक्स को मिलाकर ये साबित किया कि प्लांट्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है। उन्होंने सेस्कोग्राफ का इन्वेंशन किया जिससे प्लांट सेल्स में स्टिमुलाई के कारण छोटे से छोटे चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस को जाना जा सकता है। बोस पेटेंटिंग के सख्त खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि नॉलेज फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए और पेटेंट एक बाधा नहीं बनना चाहिए। एज अ रिजल्ट सैडली उनकी इतने एक्सटेंसिव स्कॉलरशिप के बावजूद भी उन्हें भुला दिया गया। साइंस की हिस्ट्री में बोस को वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस के आविष्कार के साथ बायोफिजिक्स के फील्ड में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस और रोल के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। मिलीमीटर बैंड रेडियो के उनके काम को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। आज जगदीश चंद्र बोस तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी ये लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज के बारे में जानना है, हमारे इंडिया के जो रियल अनसीन अनसंग हीरोज हैं उनकी स्टोरीज के बारे में जानना है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, दिस विल रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर ऑफ सच यूजफुल स्टोरीज एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज टू ऑल ऑफ यू। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड आपका ड्रीम है कि आप टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट बने, तो आप हमारे कोर्सेज और वेबसाइट को जरूर चेक करें, sayastra.com। आवर विजन इज टू बिल्ड द साइंटिस्ट ऑफ टुमारो इन इंडिया। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।